सनातन धर्म में एकादशियों का बड़ा महत्व माना गया है और सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का भी बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी करने वाले साधक इस दिन बगैर अन्न एवं जल ग्रहण के इस व्रत को करते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं पंडित गिरजेश चतुर्वेदी से कि इस व्रत को करने से क्या कुछ फायदे होते हैं और किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। राधे राधे। मैं भागवत आचार्य ज्योतिष आचार्य पंडित गिरजेश चतुर्वेदी। ज्येष्ठ महा शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी तथा मालवा क्षेत्र में बड़ी एकादशी के नाम से, बड़ी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है उसे संपूर्ण वर्ष की एकादशी फल प्राप्त होता है। एकादशी निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजन करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, साथ ही यथाशक्ति भाव से कथा सुने, भागवत का पाठ करें और जितना हो सके भजन कीर्तन करें। उस दिन आपको जल ग्रहण नहीं करना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। इससे विधि पूर्वक आपका एकादशी का फल प्राप्त होगा। कहीं लोग 12 बजे के बाद ही व्रत को खोल देते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत उद्यापन का यानी खोलने का समय द्वादशी सूर्य उदय के बाद ही मान्य होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्म का उदय होता है, आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ मिलता है तथा जो भक्त निस्वार्थ इस व्रत को करता है उसे भगवान हरि के दर्शन प्राप्त होता है। इस दिन मंदिर में यथाशक्ति भाव से दान करना चाहिए, जैसे भरा हुआ जल का कलश, फल, वस्त्र, दक्षिणा, पंखा, यथाशक्ति भाव से जो भी मनुष्य भगवान और पंडित जी की सेवा में चढ़ा सकता उसे वह दान चढ़ाना चाहिए। द्वापर युग में भीमसेन राजा ने इस एकादशी व्रत को किया था और यथाशक्ति सभी शुभ लाभ रूप से भगवान हरि के दर्शन प्राप्त किए थे। जो भी इस निर्जला व्रत को रखता है भगवान हरि की कृपा से उसका कल्याण उदय होता है। राधे राधे, जय श्री राधे। कोई तो महिला को व्रत नहीं करना चाहिए ये? वैसे तो अन्य जो एकादशी व्रत होते हैं वो महिलाएं रख सकती है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण नहीं होता है, अन्न ग्रहण नहीं होता है। तो शास्त्र चिकित्सा कहता है कि गर्भवती महिलाओं को उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए और केवल हरि की पूजन ही करना चाहिए, उसे उनका एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा।